हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कॉटलिन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। कॉटलिन की ये दूसरी वीडियो है। समस्या ये है कि यूजर से इनपुट लेना था सी लैंग्वेज में, तो हम लिख देते थे स्कैनफ, ठीक है। इसी तरह से सी प्लस प्लस में लिखते थे सी आउट सी इन, ठीक है। और आपका जावा में स्कैनर लिखते हैं, ठीक है। तो अभी इंटेलिजे आइडिया मैंने ओपन कर रखा है, ये देख सकते हैं आप। कॉटलिन में क्या करेंगे, कॉटलिन में कैसे, अगर यूजर से इनपुट लेना हो तो कॉटलिन में क्या लिखेंगे, समस्या यहां पर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां मेन फंक्शन बना लेता हूं मैं। तो यहां लिखा मैंने फन मेन, ठीक है। एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे, यहां पर क्या करता हूं मैं, एंटर प्रेस करता हूं और यहां पर हमें देना है लाइक ये एक वेरिएबल। तो यहां पर लिखा मैंने वेर और यहां नम1 नाम से बना लिया मैंने और इज इक्वल टू। अब देखिए बहुत ही आसान तरीका मिल जाता है हमें कॉटलिन में। कॉटलिन में अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो एक छोटा सा कोड लिखिए, रीड लाइन, ओनली आपको यही लिखना है। आपको भारी भरकम स्कैनर और ये सब सारी चीजें नहीं लिखनी पड़ेंगी, पर आपको ये सिंपल सा कोड लिखने से आपको ये क्या करेगा, ये छूट देगा कि आप यूजर से इनपुट करवाइए। तो ये कैसे होगा ये देखते हैं। पहले इसको मैं सेव कर लेता हूं, तो यहाँ फाइल पे जाता हूं और सेव ऑल पे क्लिक कर देता हूं और यहां से हमें जाना है रन पर और फिर इसको हम रन करवा सकते हैं। तो ये हमने रन करवाया और यहां हमने नाम दिया है ऐप, तो KT जो है Kotlin के फाइल की एक्सटेंशन होती है। तो अब ये रन हो रहा है। अब रन होने के बाद देख सकते हैं यहां पर क्लिक करता हूं मैं, तो मैं यहां अपना नाम टाइप करता हूं, लाइक मैंने लिखा S U R A J, ठीक है। और जैसे ही लिखा और एंटर प्रेस किया तो देखिए ये नाम टाइप होकर आ गया है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूजर की मदद से इनपुट करा सकते हैं बहुत ही इजिली रीड लाइन का यूज करके, ओके। फिर मैं इसको रन करता हूं एक बार, ये देखिए ये मैंने फिर रन कराया और यहां पर अब की बारी मैं लिखता हूं 9999, ठीक है, ये लिख दिया हमने और एंटर प्रेस किया। देखिए यहां पर ये यूजर इनपुट कर रहा है, ठीक है, ये खुद से इनपुट नहीं आ रहा। जैसे आप लिख करके इनपुट देते हैं वैसे इनपुट नहीं आ रहा, यहां पर यूजर की मदद से आप इनपुट करा पा रहे हैं। बहुत ही छोटा सा कोड रीड लाइन लिखा आपने और इसी से आप इनपुट करा सकते हैं इजिली, ओके। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। आगे की वीडियोस में और भी ट्राई करूंगा इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।